बहुत ही ब्रूटल मर्डर है और इस केस को सुनने के बाद में एक बार मन जो है सिहर जाता है। और ऐसी घटनाएं अब हम लोग अक्सर देख रहे हैं। डिपेंड करता है कि ऐसी घटनाओं का उनको अंजाम देते हुए ऐसे लोगों को जरा भी कानून और सजा का भय नहीं है। घटना की तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी तेजी में उसको पकड़ भी लिया है, बुलंदशहर से वो लड़का पकड़ा गया है। लेकिन जितनी तेजी में वो पकड़ा गया है उतनी ही तेजी से ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम समाज में ऐसी घटनाएं लगातार हों और उस पर सिर्फ हम बयान दे करके रह जाएं, कुछ लोग उसको थोड़ी चर्चा करके रह जाएं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत खतरनाक संकेत है। वो भी जो मारा है वो उसका प्रेमी था। ये इस प्रकार के क्राइम को अंजाम देने का साहस, दुस्साहस करना, इस पे बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो इस केस को कोर्ट में लड़ेंगे, वो लोग इसको इतनी सख्त सजा की तरफ ले जाएं कि इस घटना के जस्टिस हो और वो इतना सटीक हो कि ऐसे लोग ऐसे क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें। सर, उसकी पर हम जैसे डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले जो इस तरीके से उसे मारा गया। मैं वही बात दोहरा रहा हूं। देखिए एक माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जब मैं उस लड़की को नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, बट वो एक बिटिया थी, 16 साल की बेटी। एक तो उसने ये अपराध किया कि अवयस्क लड़की से उसने प्रेम संबंध बनाया। अभी देखते हैं आगे क्या-क्या निकलता है, लेकिन इसमें मैं बहुत सोच समझ के दो बातें कह रहा हूं। दिल्ली पुलिस जितनी तेजी से उसको पकड़ी है उसी तेजी से इन सारे चीजों को जोड़े, और फिर दिल्ली सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम सबको पता है कि दिल्ली में जब भी कोई घटना होती है तो जो कोर्ट में इस केस को लड़ते हैं वो जो प्रोसिक्यूटर हैं, जिनको दिल्ली सरकार नियुक्त करती है, इन दोनों संस्थाओं से मेरी प्रार्थना है कि ऐसी घटना में ऐसे सजा की मांग करें और सजा दिलाएं, क्योंकि इसमें कुछ भी अब छुपा नहीं है। फिर भी जो आवश्यक है उतनी तो जांच होगी ही, लेकिन ऐसे दोषी को ऐसी सजा मिले कि वो एक एग्जाम्पल बने, मेरा सिर्फ इतना प्रार्थना है।